दोस्तों ये देखिए हमारा नेनुआ तैयार हो चुका है कैसे, और यहाँ भी एक है, दो नेनुआ यहाँ पे लगा हुआ है, और देख सकते हैं दोस्तों ये यहाँ पे, ये देखिए दोस्तों एक यहाँ पे लगा हुआ है अंदर में है, और एक ये भी है, देखिए दोस्तों एक यहाँ भी है, ये देखिए ये भी है, और ना ये ऊपर से दिखाते हैं दोस्तों आपको, ये देखिए ये देखिए ये है एक, और ये वाला है, ये देखिए दोस्तों यहाँ दो है एक, और यहाँ भी देख सकते हैं ये भी है एक और ये भी है। तो ये देख सकते हैं ये पतला हो गया है, तो ये पतला इसलिए हो गया दोस्तों क्योंकि बीच में जो है ना पत्थर पड़ा था बहुत ज़्यादा, मतलब 500 ग्राम का एक एक पत्थर था, इतना बड़ा बड़ा आसमान से पत्थर गिरा था, तो इसलिए ये पूरा ये चोट से ऐसे ऐसे हो गया है दोस्तों, और कोई बात नहीं है। तो और लत भी हमारा बहुत नुकसान हो गया था दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों ये टूट गया था पूरा यहाँ, तो देख सकते हैं हम काटे हैं इसको, उधर से भी पूरा टूट गया था दोस्तों, बहुत सारा नुकसान हुआ था जब पत्थर गिरा था, तो ये थोड़ा सा हम छोड़ दिए थे, बच गया था जितना उतना को हम छोड़ दिए थे, तो ये बचा हुआ है, तो इसलिए ये देखिए दोस्तों यहाँ, ये देखिए इधर से देखिए दोस्तों ये पूरा पत्थर गिरा था ना, तो ये पूरा टूट गया था, पूरा लत टूट गया था हमारा, ख़राब हो गया था पूरा, तो हम इसको थोड़ा बच गया था तो छोड़ दिए, तो इसमें ऐसे ये गिलकी यहाँ पे तैयार हुआ है दोस्तों। तो चलिए आज हम गिलकी का हार्वेस्टिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा है ना दोस्तों, यहाँ रख देते हैं इसको, अब ना इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। ये ना पत्थर के चलते, देखिए ये पत्थर यहाँ पे लग गया है ना दोस्तों, ये देख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पतला हो गया है और यहाँ से ये मोटा हो गया है दोस्तों, पत्थर से ये ऐसे हो गया है दोस्तों, जब ये छोटा था ना तो पत्थर गिरा था, बहुत सारा इसमें नेनुआ आया था छोटा छोटा, लेकिन पत्थर के कारण पूरा खराब हो गया हमारा नेनुआ, तो इसको भी ले लेते हैं दोस्तों, इसको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, इसको भी हार्वेस्ट कर लेते हैं दोस्तों, ये दोस्तों ये भी आ गया हमारा, देख सकते हैं तीन नेनुआ यहाँ पे आ गया दोस्तों, और भी इसको भी ले लेते हैं दोस्तों, हम देख सकते हैं ये देखिए दोस्तों ये थोड़ा छोटा ही है लेकिन ले लेते हैं इसको भी, चार नेनुआ हो गया, इसको भी ले लेते हैं दोस्तों, और इसको भी ले लेते हैं, और ये देखिए दोस्तों ये भी नहीं बढ़ा है दोस्तों, पूरा पत्थर से खराब हो गया है, और भी बहुत सारा खराब हो गया था दोस्तों, तो हम काट दिए उसको, ये देखिए दोस्तों ये भी नहीं बढ़ा है, ये भी छोटा ही रह गया है दोस्तों, पत्थर से सब खराब हो गया है, देख सकते हैं हमारा नेनुआ जो है, इतना नेनुआ निकल गया, और भी दोस्तों इसमें नेनुआ आएगा दोस्तों, ये देखिए दो लत है दोस्तों हमारा, ये है ना दोस्तों, ये दो लत है हमारा, देख सकते हैं यहाँ से ये आया है दोस्तों यहाँ, और ना इसमें हम पुगाल थोड़ा सा रख दिए हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों दो लत है इसमें, एक ग्रोबेग में इसे थोड़ा सा पुगाल रख दिए हैं क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, बहुत धूप हो रहा है यहाँ पे, तो इसके कारण से थोड़ा सा पुगाल रख दिए हैं, जो टेम्परेचर है यहाँ पे 43-44 कभी कभी 45 भी हो जा रहा है दोस्तों अभी भी, तो ऊपर से देख सकते हैं दोस्तों, और इसमें छोटा छोटा गिलकी लगेगा, ये देखिए दोस्तों कैसे ये गिलकी जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये खराब हो चुका है, सूख चुका है दोस्तों, क्योंकि टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा इस पर प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों, ये देखिए देखिए बहुत मेहनत करने के बाद ये इतना हमारा गिलकी जो है वो तैयार हुआ है दोस्तों, नहीं तो सूख जा रहा है, एक दिन बारिश हुआ था दोस्तों और पत्थर बहुत ज़्यादा गिरा था, इसके कारण थोड़ा सा खराब हो गया है ये,